वेलकम व्यूअर्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे निकल और इसके एलॉय के बारे में। ये कुछ जनरल इंट्रोडक्शन है जो आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा निकल के बारे में। तो इट बिलोंग्स टू ट्रांजिशन मेटल। ये जो निकल होता है डेट इज हार्ड एंड डक्टाइल। इसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो होता है आपका FCC। एटॉमिक नंबर है 28। एटॉमिक वेट है इसका 58.71। डेंसिटी जो है इसकी 8.89 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मेल्टिंग पॉइंट है 1455 डिग्री सेंटीग्रेड और जो बॉइलिंग पॉइंट है इसका दैट इज 2913 डिग्री सेंटीग्रेड। देयर इज सम पॉइंट्स टू नोट डाउन, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट इज इट इज ओनली वन ऑफ फोर एलिमेंट्स दैट आर मैग्नेटिक एट नियर और रूम टेम्परेचर। इट्स क्यूरी टेम्परेचर जो है इसका 355 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी इट इज नॉन मैग्नेटिक अबव दिस टेम्परेचर। नेक्स्ट हम आते हैं यदि इसकी प्रॉपर्टी की इस तरफ, तो इसका जो अपियरेंस होता है दैट इज सिल्वर साइनी अपियरेंस। इसका टफनेस और डक्टिलिटी हाई होता है। गुड हाई एंड लो टेम्परेचर स्ट्रेंथ। ऑक्सीडेशन रेसिस्टेंस भी हाई होता है। गुड कोरोजन रेसिस्टेंस होता है और ये फेरोमैग्नेटिक है। इसके कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशन, फर्स्ट लिमिटेशन क्या है, नॉट मिक्स्ड विथ चीप एलॉयिंग एलिमेंट्स। और इसका जो कॉस्ट जो होता है ये भी थोड़ा ज्यादा होता है, दैट इज इट्स लिमिटेशंस। अब यदि हम बात करें इसके एप्लीकेशन की कि कहां कहां इसका निकल का यूज होता है, तो फर्स्ट जो निकल और उसके एलॉय का यूज होता है मेकिंग क्वाइंस यानी सिक्के बनाने में। इसका निकल का जो यूज होता है रिचार्जेबल बैटरीज बनाने में होता है, सच इज निकल कैडमियम और इन मैग्नेट्स। इट्स एलॉयज आर ऑल्सो यूज फॉर आर्मर प्लेट बनाने में यूज होता है, बर्गलर प्रूफ वॉल्ट्स बनाने में यूज होता है। इसका यूज केमिकल प्लांट, हीट एक्सचेंजर, रिएक्शन फर्नेस, रोटरी किल, टर्बाइन ब्लेड्स बनाने में भी होता है। स्टेनलेस स्टील में भी इसका यूज होता है एज ए अलॉयिंग एलिमेंट्स। निकल एंड इट्स अलॉयज आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड एज कैटलिस्ट फॉर हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। निकल का यूज बाइंडर के तौर पर होता है, किसमें, सीमेंटेड टंगस्टन कार्बाइड और हार्ड मेटल इंडस्ट्री में। तो ये था इसका एप्लीकेशन। नेक्स्ट हम आते हैं इसके एलॉय पे। अब निकल और निकल के एलॉयज कौन कौन से इसके टाइप है एलॉयज के, तो जो फर्स्ट एलॉय है दैट इज कमर्शियली प्योर निकल। सेकेंड है आपका निकल कॉपर एलॉयज जिसको हम लोग मोनेल्स भी कहते हैं। थर्ड वन इज निकल क्रोमियम एलॉयज। फोर्थ वन इज निकल बेस सुपर एलॉयज और लास्ट वन इज निकल आयरन सुपर एलॉयज। अब हम एक एक करके इसको पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमारा था कमर्शियली प्योर निकल। कमर्शियली प्योर निकल का मतलब क्या हुआ, ये हाई प्योरिटी है यानी इसमें 99.99% निकल होगा। कमर्शियली प्योर निकल कंटेंस 99.5% निकल प्लस रिमेनिंग इसमें कोबाल्ट होता है। माइक्रो स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन फेज इन एनील्ड कंडीशन। अब इसके कमर्शियली प्योर निकल के प्रॉपर्टीज क्या है भाई, तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है गुड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एंड रिटेन्स इट स्ट्रेंथ एट एलिवेटेड टेम्परेचर। नेक्स्ट वन है हमारा एक्सलेंट रेसिस्टेंस टू मोस्ट कोरोसिव इन्वायरमेंट। अब इसका एप्लीकेशन जो होता है ये होता है आपका फूड प्रोसेसिंग इक्विपमेंट में, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स में और कॉस्टिक हैंडलिंग इक्विपमेंट में। नेक्स्ट है हमारा निकल कॉपर एलॉय जिसको हम लोग मोनेल्स भी कहते हैं। निकल और कॉपर फॉर्म कंप्लीट सॉलिड सॉल्यूशन, ये दोनों फॉर्म करता है। निकल कॉपर एलॉयज कंटेन 67% निकल, 33% कॉपर एंड दिस आर कॉल्ड मोनेल्स। ये मोनेल्स जो आपका होता है दो टाइप का होता है, फर्स्ट में आपका मोनल मेटल और दूसरा जो होता है के मोनल। ये आपका मेटल ट्रीटेड होता है। अब इसमें क्या क्या होता है भाई, इट कंसिस्ट ऑफ 67% निकल,
30% कॉपर, और स्मॉल अमाउंट्स में आयरन होता है, मैंगनीज होता है, सिलिकॉन होता है और कार्बन होता है। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज है, डेट इज हाई स्ट्रेंथ एंड टफनेस ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर, गुड वेल्डेबिलिटी होती है, और ये कोरोजन रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टेंस टू सी वाटर एंड क्लोरीन। अब नेक्स्ट जो हमारा मॉडल है डेट इज इसके एप्लीकेशन क्या है भाई, स्टीम टर्बाइन ब्लेड्स, हाई टेम्परेचर वाल्व्स, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, इंपेलर्स एंड वाटर मीटर पार्ट्स। अब जो नेक्स्ट है केमोनल, दैट इज एज हार्डेंड, और वो क्या था हमारा, मेटल ट्रीटेड। केमोनल कंसिस्ट ऑफ 66% निकल, 29% कॉपर एंड 2.57% एल्युमिनियम प्लस मैंगनीज प्लस कार्बन। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है, ये होली नॉन मैग्नेटिक होता है। एल्युमिनियम जो होता है इंक्रीज स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस अबव दैट ऑफ मोनल। अब इसका एप्लीकेशन होता है केमोनल का पंप शाफ्ट में, स्प्रिंग में एंड वाल्व स्टेम्स में। नेक्स्ट जो थर्ड अलॉय है हमारा, डेट इज निकल क्रोमियम अलॉयस। अब क्रोमियम फॉर्म्स सॉलिड सॉल्यूशन विथ निकल अप टू 30% एट रूम टेम्परेचर। हाई कोरोजन रेसिस्टेंस इज ड्यू टू हाई क्रोमियम एडिशन। इसमें जो फर्स्ट होता है निकल क्रोमियम एलॉयज में, फर्स्ट वाला जो एलोइंग एलिमेंट है इसका नाम है हमारा इनकोनल 600। अब इसमें होता है आपका 79.5% निकल प्लस 15.5% क्रोमियम प्लस 8% आयरन, इज स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग एलॉयज। अब इसकी जो इनकोनल 600 है इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, फर्स्ट वन है हाई कोरोजन रेसिस्टेंस एट हाई टेम्परेचर, हाई स्ट्रेंथ एंड वर्केबिलिटी एंड डिफिकल्ट टू मशीन। अब इसके जो एप्लीकेशन है डेट इज फर्स्ट वन इज गैस टर्बाइन कंबस्टर एंड ब्लेड्स, केमिकल एंड फूड प्रोसेसिंग प्लांट, फर्नेस मफल एंड रॉकेट स्कीम्स। नेक्स्ट जो दूसरा हमारा निकल क्रोमियम एलॉयज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका हम लोग डेली लाइफ में भी एप्लीकेशन देखते हैं, जैसे वायर बनाने में ये सब यूज होता है हमारा। इसका जो होता है 80% निकल और 20% क्रोमियम। इसकी प्रॉपर्टीज होती है हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी, गुड स्टेबिलिटी फ्रॉम डिफॉर्मिंग। इसीलिए हम लोग इसका यूज करते हैं वायर बनाने में, हीटिंग कॉयल बनाने में। अब इसके एप्लीकेशन है रेसिस्टेंस हीटिंग कॉयल्स, रॉकेट इग्नाइटर्स, ज्वेलरी कास्टिंग सपोर्ट्स, सिरेमिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अदर निकल क्रोमियम एलॉयज आर इनकोनल 600 एंड 625 विथ इम्प्रूव्ड प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट जो एलॉय है हमारा निकल बेस सुपर एलॉयज, ये क्या होता है, हाई टेम्परेचर हीट रेसिस्टेंस एलॉयज विच कैन रिटेन हाई स्ट्रेंथ एट एलिवेटेड टेम्परेचर। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ निकल बेस सुपर एलॉयज। फर्स्ट वन है आपका निकल बेस, निकल आयरन बेस एंड कोबाल्ट बेस। द एलॉयज कंटेन हाई क्रोमियम विथ टाइटेनियम एल्यूमिनियम टू फ्रॉम प्रेसिपेट्स एंड एडिशंस ऑफ एमओ सी ओ एन बी जिरकोनियम बी एंड एफ ई आयरन। माइक्रो स्ट्रक्चर्स जो होता है ये होता है कॉम्प्लेक्स होता है। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज है हीट रेसिस्टेंट एंड हाई स्ट्रेंथ एट हाई टेम्परेचर, गुड कोरोजन एंड ऑक्सीडेशन रेसिस्टेंस। नेक्स्ट है हमारा सम अदर निकल एलॉयज, कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारा निकल एलॉयज है डेट इज जर्मन सिल्वर। इसमें क्या होता है आपका 60% कॉपर, 20% निकल और 20% जिंक होता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज जो होती है डेट इज हार्ड वाइट एंड डक्टाइल, गुड मैकेनिकल एंड कोरोजन रेसिस्टेंस। अब इसका हम लोग यूज करते हैं सिल्वर प्लेटेड कटलरी बनाने में, जिपर्स एंड ज्वेलरीज बनाने में, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज करते हैं, पाइप फिटिंग में यूज करते हैं और ऑर्नामेंटल वर्क्स ऑफ कार में यूज करते हैं। तो ये था फ्रेंड्स निकल एंड इट्स एलॉयज। इसमें आपको कहीं भी समस्या हो तो
यू कैन आस्क थ्रू द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.